चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है घटना चक्र में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं 17 जनवरी को। आपको सबसे पहले हम जनार्दन द्विवेदी की वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने इस बाबत मीडिया को दिया। पार्टी के संविधान के हिसाब से 5 साल में एक बार प्लेनरी सेशन होता है जिसको महाधिवेशन कहते हैं और साल में एक बार AICC मीटिंग होती है। पिछला साल जयपुर में चिंतन शिविर के समय AICC मीटिंग हुई थी, मीटिंग ड्यू थी जिसमें तमाम जो स्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति होती है, उस सब पर विचार विमर्श होता है। तो इसलिए जनवरी में ये मीटिंग ड्यू थी और अब हो रही है। 17 जनवरी की तारीख तय हुई। 17 जनवरी को ये अवधेश जी, ये पूरी बात निकल के आ रही है, लगातार इस पे चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात बाबत कोई बयान नहीं दिए जा रहे हैं। ये माना जा रहा था कि इस पे कोई प्रवक्ता या कोई बात कहेंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ कयास है या आपको लगता है इसको इस कयास में जो है, इस सूत्र में जो है, इस खबर में जो है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद जब सोनिया जी और राहुल जी पत्रकारों के सामने आए थे तो प्रश्न के जवाब में सोनिया जी ने स्वयं कहा था कि उचित समय पर जी इसकी घोषणा होगी। उसी समय यह हो गया कि नेतृत्व किसी न किसी को लीडर बनाने का जो दबाव है या जो आग्रह है वो उनके मन में घर किया है कि ये होना चाहिए जी। इसलिए मैं इसको अभी कयास नहीं मानता हूं। ये संभव है कि सीधे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि जब वो कमान को तीनों समितियों को पहले से चेयर कर ही रहे हैं जिसमें सारे है, समझौते के लिए है, रणनीति है पार्टी की, टिकट बंटवारे के लिए है, उसमें साथ ही साथ यूपीए में किससे किससे बात करेंगे सहयोगी, ये सारी योजना के केंद्र पर तो है ही है राहुल गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष भी है। इसलिए इसका मतलब तो बहुत साफ है, जो 14 की लड़ाई है वो राहुल बनाम मोदी या मोदी बनाम राहुल जैसे भी इसको कह ले। जैसे 1999 का चुनाव बिना घोषणा किए हुए भी सोनिया और वर्सेस वाजपेयी का चुनाव था जी, वही 14 वर्ष बाद जो है इस बार का चुनाव राहुल की घोषणा हो या नहीं हो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। और ये विधानसभा चुनाव में भी था, इस बार का विधानसभा चुनाव जो था वह यद्यपि क्षेत्रीय चुनाव था लेकिन ज्यादातर नेताओं को देखेंगे स्वयं मोदी ने भी उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दिया और मोदी पर जो लोग हमला कर रहे थे वो भी उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दे रहे थे जी। तो इसलिए इन विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य निहित था, तो वो धारा आगे भी रहने वाली है। राहुल गांधी वर्सेस मोदी ये चुनाव होना निश्चित है जी। और अगर राहुल गांधी वर्सेस मोदी चुनाव होते हैं प्रताप भानु शर्मा जी, तो आपको क्या दिख रहा है? होए, हम तैयार हैं, उसमें क्या बात है, दमदारी से चुनाव होगा और कांग्रेस के बहुमत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक 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 एक, एक उम्मीदवार ऐसे जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 साल से और लगातार उन्होंने जमीन से लेकर और यहां तक की सियासत की यात्रा की है, एक ऐसे जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी को जिनमें जिनको सब कुछ मिला हुआ, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, पारिवारिक उनका एक जिससे लोग वंशवाद भी कहते हैं कि उनकी उपज है वो, तो दोनों की लड़ाई किस तरह की होगी अगर होती है तो? नहीं, जहां तक राजनीतिक होना तय है, राजनीतिक या पार्लियामेंट्री अनुभव का सवाल है, राहुल गांधी भी 2003 से 2004 से निर्वाचित सांसद हैं और जब चाहते तब वो केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, बने नहीं, नहीं बने। उन्होंने जनता के बीच में जाना उचित समझा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना उचित समझा, कांग्रेस के संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचना उचित समझा और गांव के गरीब के दरवाजे तक पहुंचे, यही बात है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान है, एक गरीबों का हिंदुस्तान है और एक कारपोरेट सेक्टर का हिंदुस्तान है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में यही नक्शा सामने आएगा, कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी होगी, नौजवानों के साथ खड़ी होगी और अपनी नीतियों को लेकर राष्ट्र को एकता के सूत्र बांधने के लिए खड़ी होगी और ये चंद लोगों के नुमाइंदे बनकर रह जाएंगे, उन्हीं की वॉइस कहलाएंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और हमारा नेता नौजवान है, युवा है और अच्छी तरह से चुनौतियों से निपटना वो जानता है जी। पुष्पेंद्र जी, आपने प्रताप भानु शर्मा जी की बात सुनी, कह रहे हैं कि मोदी वर्सेज राहुल अगर हुआ तो राहुल जो है बहुत भारी पड़ेंगे। नहीं, अब
प्रताप जी कांग्रेस पार्टी के हैं, इसके अलावा अगर ये कुछ भी कहेंगे तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के नहीं कहलाएंगे, ये भी सत्य है। तो राहुल गांधी देश सही है वो तो हम कहेंगे नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, आपका सही तो हम देख रहे हैं। आपने कहा कि संगठन उन्होंने मजबूत किया, अब ये बता दें कहां का संगठन मजबूत किया, कितने गांव वाले से मिले, भट्टा परसौल में एक हरिजन के घर गए और कलावती को ढूंढा जिसका पता नहीं है, ये तीन काम उन्होंने किए। और लोकसभा की जिसके आपने कहा कि साहब उन्होंने वहां जो है बड़ा लोगों के साथ उन्होंने संपर्क साधा, तो जो लोकसभा की अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, उपाध्यक्ष हैं, नेहरू परिवार के वारिस हैं, उनकी सबसे कम अटेंडेंस है लोकसभा में। ये उनका जो है, आप कह रहे हैं कि लोकसभा में उन्होंने बहुत 2004 से हैं लगातार हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का भी हाल में मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और इत्तफाक से वो इंटरव्यू जो था वो फिरोज वक्त अहमद जो इस देश के जाने माने उर्दू पत्रकार हैं और मौलाना आजाद के परिवार से रिलेटेड हैं। उस इंटरव्यू में फिरोज वक्त अहमद ने ये कहा कि नेहरू परिवार के वारिस और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और मोदी के अगर हिसाब से सुन तो राजकुमार, उन्होंने जब मौलाना आजाद की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा हु इज दिस मैन, ये कांग्रेस में नेहरू परिवार के वारिस की जानकारी का लेवल है कि वो देश के पहले शिक्षा मंत्री और इतने बड़े मुसलमान लीडर को जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हो उसको नहीं पहचानते वो कौन है। जहां तक मोदी से मुकाबले की बात है, मुझे लगता है कि जहां तक भाषणों का बात है तो हो सकता है कांग्रेस के लोग इसमें खुश हों, बीजेपी के लोग उसमें खुश हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या होता है, हम वोट में कन्वर्ट हो या नहीं हो वो भी देख चुके, लेकिन पैमाने में तो यही देखा जाता है कि किसकी सभा में लोग किसको सुनना चाहते हैं, किसकी सभा में एक शब्द सुन के ताली बजाते हैं, किसकी सभा में जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो हमने दिल्ली में सभा देखी कि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली मुख्यमंत्री लोगों से कह रही थी कि राहुल जी को भैया 2 मिनट तो सुन के चले जाओ, किसी तरह से 5 मिनट तो रुक जाओ, एक ये भी सभा है। और मोदी अगर सभा चाहे उत्तराखंड में करें, चाहे बहराइच में करें, चाहे पटना में करें, ये कोई बीजेपी का मीडिया, कोई आरएसएस का मीडिया नहीं करा, इस देश का तमाम मीडिया जो सेकुलर मीडिया है और बहुत सारे अखबार जो बाई टेम्परमेंट कांग्रेस के, वो सब कह रहे हैं। तो हम किसी नेता की पॉपुलरिटी कैसे तय करेंगे, और फिर हम ये कहें कि राहुल गांधी के पास विषय क्या है। पहले जब निकले तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल बेचा, लैंड बेचा, फिर उसके बाद उनको लगा कि ये बिक नहीं रहा तो उन्होंने कहा चोरों को वहां से निकालो, मध्य प्रदेश में जो भाषा थी उनकी तो लोगों ने वहां से चोरों को निकाल दिया जो थे, पहले 70 थे अब 5 कम रह गए, राजस्थान में आप 20 रह गए, दिल्ली में आप 8 रह गए। तो राहुल गांधी की अपील कितनी जबरदस्त है, कितनी इंटरनेशनल अपील है, कितनी महत्वपूर्ण अपील है, कितना भाषा का उनको ज्ञान है, कभी वो मुजफ्फरनगर में आईएसआई का एजेंट बताते हैं मुसलमानों को कि साहब वो उनसे मिले, तो तमाम सारी चीजों को देखें तो आज तक की भाषा और आज तक के जो उनके भाषण है उसमें यह नजर नहीं आता मुझे कि वो मोदी से किस मामले में सुपीरियर हैं। हां वो एक दुकान चलाएंगे इस देश के अंदर कि सेकुलरिज्म, ये जो तथाकथित इस देश में फ्रॉड है और बहुत सी सारी पार्टियों को सेकुलरिज्म इसलिए भाता है कि उनकी उनकी दुकान चलती है, इसको भी वो बेच के देख लें। तो इस बार मैं समझता हूं 2014 के चुनाव में मोदी के आ जाने से इस देश में सेकुलरिज्म का फ्रॉड जो है उसको जनता जान रही है, उसको आज का युवा जान रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में यह खेल खेला युवाओं ने बता दिया आपको क्या है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हार गए, दिल्ली का चुनाव भी हार गए, मध्य प्रदेश के युवा ने दिखा दिया आपको, राजस्थान के युवा ने बता दिया जहां आप सरकार में थे, जहां बहुत सारी में। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कांग्रेस के लोग जो हैं टेलीविजन के अलावा, तो मान ले टेलीविजन पे तो उनकी मजबूरी है क्योंकि वो उन्हें बोलना ये है, कि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो शाम तक नौकरी चली जाएगी बेचारों की, क्योंकि अब तो उनको पूछ के आना पड़ता है कि हम फला टेलीविजन पे जा रहे हैं, ये बहस से जा सकते हैं, तो वो तय करते हैं कि आपको इस पे बोलना है, आपको इस पे बोलना है, आपको जाना नहीं है, चुनाव हार जाओ तो किसी टेलीविजन में मत जाओ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत जाओ तो सारे टेलीविजन पे जाओ। तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला बिल्कुल बेमानी है और कांग्रेस पार्टी का ये आत्मघाती कदम है, और लेकिन मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी में ये होता रहा है और नेहरू परिवार के अलावा किसी के प्रधानमंत्री चलने पे सोचा नहीं जा सकता। तीसरी बात ये है कि मनमोहन सिंह जो हैं अब इस सरकार के 10 साल के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो लाखों के घोटाले हो, चाहे डॉलर हो, इस सब का ठीकरा सरदार जी की विदाई के साथ होगा और उनके सर पे फोड़ा जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो जो थी वो बहुत अच्छा चाहती थी, लेकिन सरकार में सरदार जी ने काम ठीक नहीं किया है, लिहाजा राहुल गांधी बीच बीच में जो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तो कांग्रेस के लेकिन मैं विपक्ष की तरह बात करूंगा, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे लगता है ये मुकाबला 2014 के अंदर मजेदार होगा और देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के लोग उसके बाद क्या कहेंगे, ये भी सवाल है। अवधेश जी, मुकाबला राहुल और मोदी का जो होगा उसमें मुख्य क्या बातें रहेंगी आपके हिसाब से, और ये मुकाबला तय है?
देखिए, चुनाव भारत के चुनाव में सफलता उसको मिलती है जो पहले हमला करता है। हमारे यहाँ जो बचाव में है ना, उसको मैं लगातार देख रहा हूँ कम से कम 25 वर्षों के, 1989 से आप चुनाव देख। लेकिन ये तो फिर तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी पे लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है। नहीं, वो उल्टी बात है। इस बार नरेंद्र मोदी भारत में ऐसा नेता हो गया है इस समय जो एजेंडा सेट कर रहा है देश की राजनीति का। कांग्रेस जो है प्रति हमला करती है। पहले जब नरेंद्र मोदी जब हमला करते हैं तो उसके जवाब में प्रति हमला करने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट किया है। कांग्रेस इस मामले में काफी पीछे रह गई है, इसलिए कांग्रेस को उसको वहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। लेकिन मैं एकदम से बिल्कुल पुष्पेंद्र जी की तरह एकदम 100% खारिज नहीं करूंगा। ये बात ठीक है कि जो सेकुलर वर्सेस, सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मुद्दा होता होगा वो था सेकुलर वर्सेस सांप्रदायिकता का, उसको नकार दिया गया है। वो मुझे नहीं लगता है कि वो इस बार ज्यादा जो है कोई प्रभावी होना है। राजस्थान उसका सबसे परीक्षण की मुख्य भूमि थी जहां ये फेल हो गया है। मुसलमान नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस हमको डराना चाहती है मोदी का नाम लेकर के जी। और दिल्ली में मुसलमानों की कांग्रेस को मिला है, लेकिन एक बड़ी आबादी ने आप पार्टी को भी वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को। इसलिए यह मुद्दा अगर चलेगा भी तो बिल्कुल कुछ जगह पर चल सकता है, पूरे देश में पिछली बार के लिए नहीं चलेगा। एक जी। दूसरा, जैसा नेतृत्व की पहचान या उसकी लोकप्रियता का पहला आधार जो पुष्पेंद्र जी ने बताया कि उसकी ओर जनता कितनी आकर्षित है। मैं जोधपुर और अजमेर की एक सभा की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दिलीप जी, उसमें तस्वीरें थी, लोग वृक्ष पर खड़े हैं, जो सड़कों पर होर्डिंग लगी होती है उस पर लोग खड़े हैं, लोग मार्केट की छतों पर खड़े, नीचे हेडिंग दिया था कि ये भीड़ कैटरीना के लिए और प्रियंका चोपड़ा के लिए नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के लिए है। तो उपस्थित जन समुदाय और उसकी प्रतिक्रिया, जो नेता बोलता है उसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, ये तो एक दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेता का अपना आत्मविश्वास कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये बात। तीसरा है कि उस नेता के, वो जो नेता है उस नेता के काम की ताकत उसके पीछे कितनी है, और उसके सामने जो है उसके काम की ताकत उसके पीछे कितनी है। चौथा होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण क्या है, जो केंद्र की सरकार है उसके, उसको लेकर के देश में मनोविज्ञान कैसा है, उसका समर्थन ज्यादा है या उसका विरोध ज्यादा है, उसके प्रति निराशा ज्यादा है, और जो सांसद है उनके प्रति फिर वहां का विधान कैसा है, और साथ ही साथ जो विपक्ष में जाना है उसका कैसा है। तो इन सब मामलों पर अगर आप तुलना करेंगे इस समय जी, तो नरेंद्र मोदी, मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुकाबला है वो कम से कम अगर 100 के आधार पर हम देखें इस समय, तो मुझे कहना पड़ेगा कम से कम 35 और 65 का जरूर है, इतना का अंतर मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते अगर मुझे तटस्थ विश्लेषण करना हो तो 35 और 65 है। लेकिन 100 में से 35 नंबर जो होते हैं वो जस्ट पासिंग मार्क होते हैं, मतलब मुश्किल से 3 मार्क ग्रेस मार्क मिलता है 33 में, और 100 में से 65 फर्स्ट डिवीजन होती है। आपके तरह जो है एकदम क्रूरता से, मैं जले पर नमक छिड़कने का नहीं, मैं पुष्पेंद्र जी की तरह जरा क्रूरता से जले पर नमक नहीं, मुझे प्रताप भानु शर्मा जी की मुस्कुराते हुए चेहरे भी देखने हैं, इसलिए मैं जरा वो धीमे धीमे चुनाव से पहले आप देखें, पहले तृणमूल आपका साथ छोड़ गई, अब डीएमके आपका साथ ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस का साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो पूरी उम्मीद थी कि आप इस तरह के जो फोर्सेस हैं, जो गठबंधन है उसके साथ मिलके आप चुनाव की ये लड़ेंगे, तो इधर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ आप देख रहे हैं, तो उधर से आपका जो गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या देखते हैं कि क्या जो मुकाबला होगा वो किससे होगा? आप तमिलनाडु में आप कांग्रेस और डीएमके एक दूसरे से लड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता में आप पश्चिम बंगाल। पुष्पेंद्र जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अब सेक्युलरिज्म का फ्रॉड नहीं चलेगा। वैसे तो बड़े विद्वान हैं हमारे साथी, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा जो धर्म निरपेक्षता है भारत के संविधान में है, भारत के समाज के हर भारतीय के चरित्र में है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तो भाजपा के नेताओं ने किया, भगवान राम को बेच दिया, धर्म के नाम पर वोट मांग लिए, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करके अब वोट मांगना चाहते हैं, ये देश के साथ विश्वासघात है, फ्रॉड है। हमारे विद्वान पुष्पेंद्र जी को ये थोड़ा इस तरफ में ध्यान देना चाहूंगा। जहां तक आपका सवाल है, आपने जो कहे कि ये लोग आप जा रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप किससे लड़ेंगे? आपका अच्छा तृणमूल का इतिहास तो हमसे ज्यादा मीडिया जानता है। नहीं, आप हमारे साथ तो बाद में आए, इसके पहले किसके साथ थे जी?
किसके साथ? डीएम के बारे में भी वही कहेंगे आप 10 साल से? नहीं, डीएम के उधर थी, फिर हमारे साथ है जी, फिर जब एक तरफ डीएम की आती है दूसरी बार अन्य डीएम की आ जाती है। ये तमिलनाडु की राजनीति पिछले 5 साल 10 साल की समझने की बजाय 30 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको, जब से डीएम के और अन्य डीएम के हुए हैं। ये अपने स्वार्थ के वश समझौता राष्ट्रीय दलों से करते रहे हैं। आपको हम भ्रष्टाचार उजागर नहीं करते, ये बड़ा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो क्या जनता दोषी नहीं कहती कि आपकी लीडरशिप में काम हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। और यही कोलिशन की कमजोरी है, मैं पहले कह चुका हूं, हम क्लियर मैंडेट के लिए जाएंगे, हम कोलिशन के लिए नहीं जाएंगे। उस क्लियर मैंडेट में, उस क्लियर नेतृत्व में जो राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व में और कांग्रेस की नीतियों पर हम जाएंगे, हम जनता की से अपील करेंगे, राष्ट्र की जनता से, कि हमें क्लियर मेजोरिटी दीजिए, जिससे कोलिशन ना तो ऐसे स्वार्थी दलों से लेने की आवश्यकता पड़े, ना रीजनल पार्टी पे हम डिपेंडेंट रह पाए। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, नहीं दो बातें हैं कि एक तो सेकुलरिज्म को शायद गलत पर्सपेक्टिव में समझ लिया है शर्मा जी ने। कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म और बाकी पार्टियों के सेकुलरिज्म के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री खड़े होकर यह कहे कि इस देश की प्राकृतिक संपदा के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है, तो यह सेकुलरिज्म है। इस देश का एक मंत्री कहे क्या कहते हैं, चुनाव से 6 घंटे पहले हम मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन देंगे, यह सेकुलरिज्म है। एक दूसरे प्रदेश का मंत्री कर्नाटक का कहे कि मुसलमानों की लड़कियों की शादी में विदाई की रकम हम देंगे, यह सेकुलरिज्म है। इस देश में एक मंत्री कहे कि इंडियन मुजाहिदीन जो है वो भारत की आरएसएस इसके पीछे है, तो ये सेकुलरिज्म है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस देश के जनमानस और समाज में सेकुलरिज्म है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का भाषा हो सकता है। सुनने सुनने, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, मेरा भाषा है, आपने कहा सर्वधर्म संभव, वो सब आप कागज पे लिख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने दीवारों पे लिख दिया है सर्वधर्म संभव। मुरादाबाद में दंगा हुआ, गोली चली, मुसलमान मरे, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं था। गुजरात में 2000 दंगे में सेकुलरिज्म खतरे में आया, मुरादाबाद में नहीं आया, भागलपुर में नहीं आया, भिवंडी में नहीं आया, निल्ली में नहीं आया, मोहना में नहीं आया, मौट में नहीं आया। आपने इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर और आपकी पार्टी ने जो परिभाषा गढ़ी है वो इस समाज ने नकार दी है, और अब आपको उसी के लिए, इसलिए आप बार बार सेकुलरिज्म की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप कम्युनिज्म की बात करते हैं, आप मोदी को जहां कॉर्नर करते हैं वही आपके मुंह पर पड़ता है। कहीं आप कहते हैं मसौद का मौदागर, तो वो आपको माता जी को वापस भेज दिया जाता है। इस बार भी आपने प्रोवोक करने की कोशिश की कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, लोगों ने आपको बता दिया। अब जो बात आप दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा सवाल आपका क्या था, जो गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं, एक दूसरी बात कह रहे हैं, इनकी कहानी यह है कांग्रेस के लोगों की कि हमें जो छोड़ के जाए वो, तो देखिए आपने उनका करेक्टर नहीं देखा था, वो तो बीजेपी को भी छोड़कर चले गए थे, वो तो पहले बीजेपी के साथ थे, और जो हमें दूसरे को छोड़ जाए, देखिए साहब मोदी को बनाते ही इनके तो गठबंधन के लोग भाग रहे हैं, तो इनके पास जो आए वो गंगा ना आए, वो सेकुलर है धोती बांधे हुए, और जो इनसे निकल जाए वो फॉरेन कम्युनल है। तो टीडीपी हो और 28 पार्टियों की सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो इस देश में सांप्रदायिक पार्टी के अध्यक्ष थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब सरकार जाती है तो यह बात नहीं कहते कि सरकार बीजेपी की जाए, सरकार कांग्रेस की जाए। जब अंतिम समय आता है तो बहुत सारे लोग आपके जहाज को छोड़ के भागते हैं। यह बीजेपी के साथ भी और आपके साथ हुआ, लेकिन इसको रंग देने में ये लोग बड़े माहिर हैं। कहते हैं ये जा रहे हैं तो देखिए सब साथ छोड़ रहे हैं मोदी की वजह से। इनका साथ जाते जाते सबको मालूम है 3 महीने बाद इनकी लुटिया डूबने वाली है। वो डीएमके जहां सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का कोई चक्कर नहीं है, उसने इनके मुंह पर मना कर दिया, टीएमसी छोड़ के चली गई। ये क्यों छोड़ के जाते हैं ये भी बता दूं मैं इनको, इनके राजकुमार महाराष्ट्र में जाते हैं और भाषण देते हैं। जो लोग इनकी राज्य सरकार में पार्टनर हैं, जो लोग इनकी केंद्र सरकार की ऑक्सीजन बने हुए हैं, वहां जाके उनका भाषण होता है कि देखो भाई कांग्रेसियों, इस जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो हमने किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन माफ हमने किए, दर्द हमने लिया और मजा और फायदा देखिए एनसीपी ने ले लिया। इस बार ध्यान रखना, हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया है, हमें क्रेडिट मिले, एनसीपी को ना मिले। वहां पे स्थिति यह है कि लोग जो आपका गठबंधन है उसको आप कैसे चला रहे हैं, आप जिसके साथ रहते हैं उसको बेवकूफ समझ के उसकी पीठ पे छुरा भोंकते हैं। जो चिल्ला के बाहर निकल जाता है वो सांप्रदायिक हो जाता है, जो आपके साथ रहता है उसे कहते हैं कि नहीं वो तो अपनी वजह से, यही आपने बीएसपी के साथ किया, यही आपने समाजवादी पार्टी के साथ किया, तो आप अपने पार्टनरों के साथ क्या करते हैं ये भी सबको पता है। आप जवाब देना चाहेंगे या मैं अगले सवाल पे? एक दो पॉइंट पे जरूर देना चाहूंगा जी। एक तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और हमारा नेतृत्व परिपक्व है, हमने कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंका है, पर लोगों ने भोंक कर घायल ही किया है कांग्रेस ने।
कांग्रेस को, फिर जाते तो लेते जब भी उठे, जब भी उठे हैं, ये तो कई बार आपका इसमें करके नहीं, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं, ताकत से कांग्रेस की संरचना की है, कांग्रेस को नेतृत्व दिया है और कांग्रेस की मजबूत सरकार दी है। आज भी हम उसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि रीजनल पार्टी से दूर हटके एक राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत बनाइए। आप ऐलान करेंगे कि हम ये चुनाव का मतलब और किसी पार्टी के साथ हम अपना गठबंधन नहीं करेंगे, ये ऐलान करेंगे उसमें मत कहिए, आप कहिए देश दिल्ली लाल किले से कहिए खड़े होकर के कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, एनसीपी गठबंधन नहीं करेंगे, हमने ये नहीं कहा है। फिर आप, हमने ये कहा है कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, पर जिन राज्यों में हमें सेक्युलर फोर्सेस या अब सेक्युलर फोर्सेस के नाम पे कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये कमाल की बात है, इसकी आवश्यकता होगी, हम जरूर करेंगे, बहुत बुरे और छाने होंगे। लोकतंत्र में वही होता है जिसे जनता चाहती है, चलिए प्रताप, जिस दल का जिस राज्य में लोकतंत्र चाहत होगी चार राज्यों में भी वही होगा करेंगे हम जरूर लेके चलेंगे। भानु शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी एक ब्रेक लेंगे और देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही जेल से निकले हैं वो ठीक आपकी ही बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब ये कुर्बानी वाकई वो देने के लिए तैयार हैं या ये सियासी कुर्बानी का एक नया नायाब तरीका है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लालू की मेरे सारे जगह पे पड़े हुए हैं, आप देश जी रक्षा करते जाना।